हेलो स्टूडेंट, दिस इज विनीता सिंह, वेलकम यू इन सनशाइन ट्यूटोरियल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे एक मतलब रो है, वहाँ पे बहुत सारे हाउसेस है जिनका जो नंबर है 1 से लेके 49 तक दिया हुआ है ना। जैसे ये हो गया हाउस नंबर 1 हमारा, ये हो गया हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ओके। इसी तरह आगे ये बढ़ता चला जा रहा है डॉट 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 डॉट, और ये हमारा एंड हो रहा है हाउस नंबर 49 पे। तो द हाउस ऑफ द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू है सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। तो हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक एक्स हाउस नंबर है, x बना देते हैं, x x यानी हमको ये तो फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे एक हाउस नंबर x है, उसका एक्चुअल नंबर क्या है वो हमको फाइंड करना है। तो देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, x से पहले जितने भी घर पड़ रहे हैं उनके जो जो हाउसेस का नंबर है उनका जो सम है इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, यानी इसके बाद आने वाले हाउसेस के नंबर के सम के इक्वल है। फाइंड दिस वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ आप देख सकती है, तो x हो गया। अब यहाँ आप देखो, यहाँ पे सभी में 1-1 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। 3 में 1 कम किए तो 2 आया, 2 में से 1 कम किए तो 1 आया। तो x से ठीक पहले जो घर आएगा वो कितना हो जाएगा, उसका नंबर यानी x माइनस 1 वो ठीक इससे एक कम होगा। x से बाद वाला जो घर होगा वो ठीक इससे एक ज्यादा होगा यानी x प्लस 1 होगा। जो इसके बाद वाला घर होगा वो ठीक इससे एक ज्यादा यानी x प्लस 2 होगा। एंड 49 से पहले जो घर होगा वो कितना होगा, 48 होगा। तो इस तरह से ये हमारा जो एक जो हाउसेस है वो एक एपी फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो एज पर द कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, यानी x से ठीक पहले जितने घर आ रहे हैं, x से पहले हमारे इतने घर आ रहे हैं, ये इतने घर आ रहे हैं, तो इन घरों के नंबर का जो सम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एस एक्स माइनस 1, है ना। सम ऑफ x माइनस 1 टर्म, यहाँ पे हर जो हाउस है उसका जो नंबर है वो एक टर्म को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, ये x माइनस 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने हाउसेस आ रहे हैं, x माइनस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, x माइनस 1। तो सम ऑफ x माइनस 1 टर्म विल बी इक्वल टू, इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। अब x के बाद जितने घर आ रहे हैं, x के बाद कितने घर आ रहे हैं, इतने घर x के बाद आ रहे हैं, तो x से ठीक पहले वाले घरों का जो सम है वो x के बाद आने वाले घरों के सम के इक्वल है। बट अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ तक तो हमें पता है कि x माइनस 1 हाउसेस नंबर ऑफ टर्म x माइनस 1 है। अगर हम x की बात करें तो यहाँ तक के x टर्म है, और अगर हम 49 तक की बात करें तो हमें यहाँ भी पता है कि 1 से लेके 49 तक के टोटल 49 टर्म्स होते हैं। बट यहाँ पे आपको x के बाद एंड 49 तक के कितने घर आ रहे हैं ये हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको ये पता है कि यहाँ पे इस जो एपी में फर्स्ट टर्म वो 1 है एंड जो लास्ट टर्म है वो 49 है। तो 1 से लेके 49 तक के नंबर्स का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सम फाइंड कर सकते हैं। ये जो 1 से लेके है ना, ये 49 तक के जो नंबर्स है, ओके, ये 1 से लेके 49 तक के जो नंबर है उनका सम फाइंड कर लेंगे। उस सम में से 1 से लेके x तक के जो नंबर आ रहे हैं, है ना, 1 से लेके, इस 1 से लेके x तक के जो नंबर्स आ रहे हैं उनके सम को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
यानी कि 1 से लेके 49 तक की जो ब्लैक आपको जो ये स्ट्रिप दिख रही है ना, ब्लैक जो बॉक्स दिख रहा है, यानी ये 1 से लेके 49 तक के टर्म्स आ रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा? इनका सम होगा यहाँ पे सिंस 49 टर्म्स है तो ये हो जाएगा S49। इसमें से हम 1 से लेके X तक के नंबर्स का जो सम है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तक के X टर्म होते हैं, तो इसे माइनस कर देंगे। देन X यहाँ पे X के बीच है ना, X और 49 के बीच जितने हाउसेज है ना, जितने टर्म्स है उनका सम हमें पता चल जाएगा। तो ये जो मेन है, ये मेन फॉर्मूला है, यानी यही लाइंस अगर आप ये इसको समझ लेते हैं, यानी आप इस क्वेश्चन को इजीली बना लोगे। बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब हमें निकालना है सम ऑफ एक्स माइनस वन टर्म, तो एक बार पहले हम यहाँ देख लें कि यहाँ पे मैंने यहाँ जितने भी जैसे बॉक्सेस लिए, यहाँ हमको पहले टर्म का और आखिरी टर्म का पता है। तो हम जब भी हमें पहले टर्म और आखिरी टर्म का पता होता है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो ठीक यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे इन तीनों के लिए। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ एस एक्स माइनस वन की, तो यहाँ पे एन है ना, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं एक्स माइनस वन, तो एस एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एक्स माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी एन बाई टू, यानी एक्स माइनस वन बाई टू इन ब्रैकेट पहला टर्म ए यानी पहला टर्म एंड एल यानी आखिरी टर्म। तो यहाँ पे आपका जो पहला टर्म है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी वन, एंड जो यहाँ पे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इस क्वेश्चन के लिए हमारा कितना है एक्स माइनस वन है ना, लास्ट टर्म क्या है एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो पहला टर्म आपका हो गया ये वन, एंड जो लास्ट टर्म हो गया, इस बॉक्स की बात कर रहे हैं अभी हम लोग है ना, ये वाला हमारा जो बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स में हमारा पहला टर्म है वन एंड लास्ट टर्म है एक्स माइनस वन, तो वन प्लस एक्स माइनस वन यहाँ तक हमने ले लिया। ओके, तो अब इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, एस एक्स माइनस वन की वैल्यू हमें मिल गई, इसे आप यहाँ रख दो, एक्स माइनस वन बाई टू इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन है ना, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, ये बस मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया है। देन इज इक्वल टू एस 49, तो अब n की जगह आप 49 लोगे तो एस 49 विल बी इक्वल टू 49 है ना, n बाई टू यानी 49 बाई टू ए प्लस एल। अब यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा वन, एंड यहाँ पे हमारे 49 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म है वो कितना हो गया 49, तो यहाँ हम लिख देंगे 49। ओके, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ इस वैल्यू को 49 बाई टू इंटू वन प्लस 49। ओके, अब इसको भी मैं हटा देती हूँ। अब जो है यहाँ के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है एस एक्स के लिए। ओके, सम ऑफ एक्स टर्म, तो अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है एक्स है ना, इसको मैं ये रेड सीन लिखती हूँ और लग रहा है थोड़ा, तो यहाँ पे n की वैल्यू x है, तो यहाँ लिखेंगे हम एस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू ए यानी फर्स्ट टर्म है 1 प्लस l यानी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यहाँ से यहाँ तक की जब हम बात करते हैं तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाता है x हो जाता है 1 प्लस x। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस का साइन है माइनस, एंड एस एक्स की वैल्यू हो गई x बाई टू इंटू वन प्लस एक्स, यहाँ तक हमने इसे लिख लिया इन वैल्यूज को। ओके, फॉर्मूला जो हमने यूज किया वो ये है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल। अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं एक्स माइनस वन बाई टू, ओके वन प्लस एक्स माइनस वन, वन एन माइनस वन कैंसल हो गया। ओके, इज इक्वल टू 49 बाई टू, वन प्लस 49 कितना हो गया 50, और यहाँ कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लाई आ गया। ओके, माइनस एक्स बाई टू इंटू वन प्लस एक्स, अब यहां से तो ये 1 एन माइनस वन कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया x, तो इसको आप सामने लिख दो x, और ये x माइनस वन को मैंने ब्रैकेट लगा के लिख दिया, अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू 50 माइनस x बाई 2 1 प्लस x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 1 जे 2 एंड ये हो गया 2 2 जे 4 1 2 5 जे 10 25, 50 का हाफ 25। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा 49 इंटू 25 रह गया, ये जो है माइनस एक्स बाई टू इंटू वन प्लस एक्स को इधर पे हम ला देते हैं है ना, तो यहाँ पे पहले से हमारा क्या था एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये माइनस एक्स बाई टू इंटू वन प्लस एक्स यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स बाई टू इंटू वन प्लस एक्स, इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का एलसीएम हम लोग 2 ले सकते हैं,
तो दोनों का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x इंटू एक्स हो गया हमारा x का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिए, x इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 ऑफ x यानी कि x, प्लस x इंटू 1 फिर वही 1x यानी कि x, प्लस n प्लस का मल्टीप्लाई होगा प्लस आ गया, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। ओके, नाउ 49 का मल्टीप्लाई हम लोग 25 से करते हैं ना, तो कितना आ जाएगा आपका 25 कैरी 22 25 फॉर द 100 एंड 22 122। ओके, इतना आ गया हमारा। अब यहाँ देख सकते हैं ये माइनस एक्स एंड प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होके हो जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1225। अब हम यहाँ पे इस 2 और 2 को भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है और साथ में हम प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी हम लोग जो स्क्वायर होता है वो प्लस का भी स्क्वायर इतना आएगा, जो माइनस नंबर है उसका भी स्क्वायर इतना ही आएगा, तो जब भी हम लोग क्या है स्क्वायर अगर हमको यहाँ पे हटाना है तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाता है एंड प्लस माइनस सामने आ जाता है। अब हम 1225 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे इसको फैक्टराइज कर देते हैं। इसको मैं ऐसा कर देती हूँ, इस कलर से करती हूँ। ये जो हो गया 1225, ये हमारा हो जाएगा 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 7 × 7। ओके, और अगर आप डायरेक्टली करना चाहे तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि जो नंबर 5 पे एंड होते हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 5 × 7 × 7, तो जिसका भी पेयर बन गया है ना, जिसका भी पेयर बन गया वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 का पेयर बन गया है, तो 5 क्या है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 5 इंटू 7 का भी क्या है पेयर हो गया है, पेयर बन गया, पेयरिंग हो गई है, तो इसको भी बाहर निकाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है प्लस माइनस 7 × 5 = 35, यानी कि स्क्वायर रूट 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 35 होगा। तो x की जो वैल्यू है वो प्लस 35 एंड माइनस 35 दो वैल्यूज मिलेगी, बट एज वी नो दैट नंबर ऑफ हाउस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम एक्सेप्ट करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ x इज 35। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारे जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप उसे अबाउट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़।